बोलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आरव चैनल। इस आरव भैया, ये रही मेरी मम्मा, ये रही। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम क्या करने वाले हैं आरव? आज हम एक व्लॉग शेयर करने वाले हैं। हाँ जी, आज हम एक व्लॉग शेयर करने वाले हैं और हम कर चुके हैं घर की, यार शिफ्टिंग चल रही है, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया। तो दो तीन दिन मैंने इधर बिल्कुल भी नहीं शूट किया क्योंकि घर का काम करती थी, अब कैमरा ले लेके घूमती तो वो नहीं मैंने शूट किया। वैसे भी मुझे मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा था, अभी ढूंढती हूँ मैं अपने ट्राईपॉड को। और आज है सैटरडे, 20 जुलाई है, दोपहर का टाइम है, 2-3 बजे। ये भी काम से आ चुके हैं अपने ऑफिस से और आरव भी स्कूल से आ चुका था। अब मैं बनाने वाली थी पोहे, लेकिन पोहे घर पे ना थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे अभी, क्योंकि सब कुछ यार बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है, तो आपने लेके आना है। अब ये लेके आएंगे फिर मैं बनाती हूँ। और बस यार रैंडम सा व्लॉग है, मन किया चलो व्लॉगिंग करूँ मैं। किता से कुछ नहीं, कुछ तो किता से कान खींचा। अच्छा, कान खींचा। ओके चलो फिर किचन में चलो, दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। काफ़ी हद तक यार कमरे की सेटिंग वगैरह कर ली है, लाइक फर्नीचर वगैरह अपनी जगह पे रख दिया है, लेकिन बहुत मैस है। तो प्लीज़ आप लोग आज के व्लॉग में जजमेंटल बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये व्लॉग ही इसी टॉपिक पे है कि लाइक कितना ज़्यादा यू नो शिफ्टिंग के बाद बहुत दिन तक ये चीज़ चलती रहती है। छोटा थोड़ा 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 काम अपडेट होता रहेगा। अभी तो देखो किचन में नमक मिर्च मसाला भी नहीं था, बीच में लाइक थोड़ा सा था, मैंने उसके साथ बना लिया, अब ख़त्म हो गया। अब मैंने सारी अंदर से कबर्ड भी किचन की क्लीन करनी है, देखो मैंने सोफे पे लगा दिए सारे यहाँ पे, और सब यार हाउस टूर बाद में कराऊंगी। गंदे कपड़े नहीं हैं, 3 दिन से कपड़े लगातार धो रही हूँ, ये धोए हुए कपड़े, लेकिन मुझे सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आंटी हैं, उन्होंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, बर्तन भी वही करती थी, बट अब पता नहीं क्या हुआ, मैं अब मम्मा के घर से आई 1.5 महीने के बाद, तो जब सारा सेटिंग करने की बारी आई, बर्तन में सब मिट्टी पड़ी हुई है। ये देखो, दिख रहा आपको मेरे बर्तन का रैक? आई होप ये दिख रहा आपको, ये देखो मिट्टी मिट्टी पूरी भरी पड़ी। इसको सारा मैंने, सारे जितने बर्तन लगे ना सब धोए हुए थे, सबको दोबारा से धोना है, सारे रैक को क्लीन करना है। कल मैंने आधे बर्तन धो दिए थे, ये सारे धोए हुए बर्तन हैं। हाँ, मैं बोल कह रही थी कि आंटी को, मैंने बोला कि आंटी आज बर्तन धोने हैं, मैंने खाना वगैरह यहाँ पे बनाना शुरू करना है अब, क्योंकि 1-2 दिन से बाहर से खाना खा रहे थे, मंगवा रहे थे लाइक ऊबर वगैरह से, कभी स्विगी से या जिससे भी मर्जी जहाँ से खाना हुआ। तो आंटी ने बोला मैं नहीं काम करने वाली, मैंने बोला पैसे ज़्यादा ले लो, कहते नहीं मैंने काम ही नहीं करना, मैंने बोला लाइक पेमेंट की बात है आप ले लो ज़्यादा, बट शी लाइक यू नो मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद कर लो। तो मैंने खुद बर्तन धोए सारे, वो नहीं शूट किया बिकॉज थोड़ी सी ना मुझे मिट्टी वगैरह से एलर्जी भी होगी थी, बारिश होगी तब भी नहीं, आज मैं मशीन लगा रही थी, सीरियसली बात करते करते बारिश होगी, अरे वाह मुझे लग ही रहा था आज बारिश होगी। आज है सैटरडे 20 जुलाई, दोपहर का टाइम है, देखो बारिश हो रही है, दिखाऊं? मेरे को दिखाती हूँ, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, भूल जाऊँगी। आंटी ने फिर बर्तन नहीं धोए, आंटी कहती मैंने बर्तन ही नहीं धोने, मैं सर झाड़ू पोछा करूँगी। मैंने बोला चलो जो करना मैं किसी और को अब देखती हूँ, किसको बोलती हूँ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं मैनेज कर सकती, आरव की पढ़ाई, अपना यूट्यूब, फिर हस्बैंड को भी टाइम देना, घर भी संभालना, नहीं हो सकता इतना। तो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने खुद ही कर रही हूँ मैं सारा कुछ, झाड़ू पोछा और वो सब तो कर जाती हैं। देखो आज का व्लॉग ना बस इसी टॉपिक पे है, रैंडम व्लॉग है, बस आप लोगों को अपडेट कर रही थी कि हम यूट्यूबर्स हैं, तैयार होते हैं सुंदर तरीके से, नए नए कपड़े डालते हैं, आप लोगों के सामने वीडियो वगैरह शूट करते हैं, दिखाते हैं, बट बिहाइंड द सीन हम ये भी हैं, हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, और सब कुछ देखना पड़ता है राइट ना, आपको करना है बहुत कुछ करना है। अभी पोहे बनाने लगी थी मैं राइट ना, अभी पोहे बनाऊँगी, रात को मैं सूजी ली इडली बना दूँगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लाइट वाला खाना खा रहे हैं, और जो जल्दी बन जाता है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कचपच नहीं लगने, टाइम नहीं लगता, वो चीज़ें बना रही हूँ। ये देखो टूटा हुआ फैन पड़ा है, इसको मैंने दे देना है, मतलब कबाड़िए को दे देना है, ये गंदे कपड़े पड़े हैं इसको सब वॉश करना है, बट बारिश होगी इसलिए आज मैंने ना कुछ नहीं, आज मशीन लगा, मुझे लग ही रहा था। एंड वो अगर आपको दिख रहा है ना सीढ़ियों पर, वो सब देने वाला सामान है, मतलब कूड़े में फेंकने वाला सामान है। और ये आप इधर क्या है, ये मेरा ना काम करने वाला स्टैंड है, YouTube की वीडियोस मैं शूट करती हूँ इस पर, बट यहाँ पे अब तार वगैरह कुछ नहीं ना लगाई जिसके ऊपर मैं कपड़े वगैरह डाल सकूँ, तो मैंने यहीं पे ऐसे करके हैंगर पे टांग दिए। ये हस्बैंड की सारी शर्ट्स हैं, सारी वॉश की हुई हैं, सब धोया हुआ कपड़ा है। एंड फिर ये यहाँ पे एक मैंने 2 स्टैंड मंगवा लिए एक्चुअली, कि ये वाला स्टैंड और एक ये वाला इसके जैसा स्टैंड, मुझे मिल गया था 1450 का मेरे लोकल स्टोर से कपड़े वगैरह डालने के लिए,
1450 का, लेकिन वो जो है ना वो वाला स्टैंड वो तो मेरे काम का है, वो मेरे रूम में चला जाएगा, वो यहाँ पे तो रहेगा ही नहीं, बस एक दो दिन के लिए है। राइट ना, मैंने वीडियोस वगैरह शूट करनी नहीं शुरू की, मेरा ना हाथ थक गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हाथ ना थक गया। हाँ मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मैं इसी रूम में, ये है मेरे काम वाला टेबल, इसी पे यहीं पे मैं पीछे पर्दा लगा के अपनी वीडियो शूट करती हूँ, ठीक है। और ये है मेरे किचन का टेबल, मैं, ये मेरा बहुत बड़ा सा रूम है ना, तो हमने रूम को डिवाइड नहीं किया, मैं यहीं पे ही काम करती हूँ, साथ साथ मैं अपने किचन का भी कई बार ध्यान रख लेती हूँ, कर्टन्स वगैरह पीछे लग जाएगा। ओके, मेरा एक्चुअली हाथ थक गया है, पकड़ पकड़ के फ़ोन, मुझे मिल नहीं रहा मेरा ट्राईपॉड। कल यार इसके ऊपर इतना मैस था, आपने देखा ही था मेरे लास्ट व्लॉग में कितना मैस था, उसको क्लीन किया। थोड़ा सा मैं अपने ट्राईपॉड ढूंढना चाहती हूँ, कहाँ, मैंने ढूंढा ही नहीं, काम ही नहीं किया तो ढूंढूंगी क्या, इसके अंदर क्या है देखें। अच्छा, पॉलीथीन्स में कर गई थी मैं सारा सामान, ये यार सब कुछ काजल्स वगैरह, पता नहीं, देखूँ ट्राईपॉड नहीं मिल रहा। होप आप लोगों की यार ये वाली वीडियो बोरिंग ना लग रही हो। अच्छा वो पड़े हैं टोनर्स वगैरह, पड़े हैं मेरे लिप क्रियॉन्स, पड़े हैं काजल्स, पड़े हैं सारा ना ऐसे डब्बे में, ऐसे रख गई थी मैं सब कुछ, सब क्लीन करने वाला। इसमें तो नहीं नज़र आ रहा यार ट्राईपॉड, इसमें देखूँ इसमें क्या है, इसमें ये तो यार बॉडी बटर्स वगैरह पड़े हैं, ये नोवा का हेयर ड्रायर पड़ा है, नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या है, सॉरी यार आप लोग अगर बोर हो रहे तो स्किप कर देना, मुझे लगा चलो अब यही होती है, देख लो घर का काम हुआ है, मुझे मेरा ट्राईपॉड ही नहीं मिल रहा। ये क्या है यार इस डब्बे में, वैसे एक तो मुझे याद भी नहीं रहता कौन से डब्बे में क्या रखा है। अच्छा ये मैरिट विसे का ऑयल है, बहुत ही अच्छा वाला कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जन, ये मेरे पास ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी, और मैंने एक साल पहले ना ऑयल पुलिंग के ऊपर एक वीडियो भी डाली थी, उसमें भी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो एंड ये क्या है, अच्छा ये मेरे आई शेडो पैलेट्स वगैरह थी, फेस पैलेट्स वगैरह, और वो अमेजोन का डब्बा पड़ा है, ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मेरा ड्राइवर, मैं सोच ही रही थी मैं यहीं पे रखा है। चलो आप लोग बोलते हो ना मेकअप अपना कलेक्शन शेयर करो, क्या शेयर करूँ गाइस, इतना घर पे आप देख ही सकते हो कितना मैस हुआ पड़ा है, बट चलो मैं इस पर लगा लूँ पहले, दर्द कर रहा था इतनी देर से पकड़ के। चलो एनीवेज, ये आप एक ब्राउन कलर की अलमीरा आप देख रहे हो ना, इसके साथ मैंने एक और अलमीरा मंगवाई हुई है, उनको बोला हुआ है बनाने के लिए, ये इस जगह के लिए, यहाँ पे जो देख रहे हो ना स्टेप्स के ऊपर सब क्लीनिंग होनी है, वो तो मैंने इसको कहते नहीं है थोड़ा सा मेन मेन सामान उठा उठा के साइड में रखा कि भैया अभी इसको साइड में रखो, इसको साइड में रखो, जो चीज़ क्लीन करनी है, जो कूड़े में फेंकनी है, कबाड़ में जानी है, सबको थोड़ा सा अलग अलग किया है। ओके, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ये कैसी वाली शीट है, ये अल्मोनियम की शीट है, यहाँ पे मेरी ब्लैक कलर की टाइल्स मैंने रखी थी, लेकिन अभी उनको क्लीन करना है, उसको सुखाऊंगी अच्छी तरह से, उसके बाद यहाँ पे रखूंगी, तो अभी इट विल टेक टाइम यार, अभी धीरे धीरे ही सब कुछ होता है ना, अभी इतना सेट कर लिया उतना ही बहुत है, दो तीन दिन में फटाफट से कर लिया मैंने और हस्बैंड ने, आरके पापा ने मिलके कर लिया। अगर आप ये कढ़ाई सोच रहे हो तो ये आई गेस पिजन की कढ़ाई है, मैंने अपने अमेजन हॉल में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये जो स्पैचुला है ये मैं लोकल स्टोर से लेके आई थी 150 रुपये में। एक सेकंड, ये आगे लेके आ गई, क्या क्या लेके आए हो, नमक, हल्दी, खुखंड, नमक, हल्दी, इलायची, सब जानते हो आई लव इलायची वाली चाय, इनको भी अच्छी लगती है ना, वर के जाएंगे ना। एंड ये इनो मंगवा लिया क्योंकि रात को, सॉरी मैं कैमरा सही नहीं रखती, रात को सूजे लिडली बनाएंगे, है ना, स्वाद आना लाइट भी है ना, सूजे लिडली अभी पोहे बनाते हैं, चलो फटाफट से बनाते हैं, नमक है, हल्दी है, चलो बनाओ, चलो बाय। मूंगफली मैंने अपनी फ्राई कर ली हल्की सी और ऑयल में, और मैंने अपने पोहे को थोड़ा सा ना गीला करके रख लिया ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। एंड अब मुझे चाहिए मेरा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता है छत पे क्योंकि मेरे जितने भी प्लांट्स थे वो सारे छत पे चढ़ गए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम होगी है ना, तो छत पे प्लांट्स हैं। ये वैसे ही हम जा रहे, बारिश का मौसम था ना,
चल ये सारा ऊपर बनवा लिया, सूप वगैरह दिखाएंगे यार आपको, सब कुछ दिखाएंगे। एंड जब मैं यहाँ पे नहीं थे ना, सारे मेरे हस्बैंड ने देखो, आरफ के पापा ने प्लांट्स में पानी डाल डाल के इनको जिंदा रखा हुआ है, फिलहाल डालते हैं इनमें, बड़ा किया इनको। हाँ अभी इनकी कटिंग कटिंग करनी है देखो, है ना, किसी दिन टाइम लगेगा, नहीं तो भैया को बुलवा के, माली बुला के ना, माली बुलवा के करूँगी। अभी पानी डालने वाले हैं, डालती हूँ मैं अभी, बस खाना खा लेना, क्योंकि कल बारिश हो गई थी तो डाला नहीं, आज सुबह से धूप थी या बारिश हो गई। ये रहा मेरा कड़ी प्लांट, बीच बीच में सूख गया, कोई ना, अब थोड़ी सी इनको कटिंग की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि फिर प्लांट नीचे थे, अब एकदम ऊपर आ गए धूप में, तो थोड़ा सा इनको भी फ़र्क पड़ता है। इतने अच्छे मौसम में पति पत्नी दोनों देखो छत पे अकेले क्या करने हैं, कड़ी पत्ता तोड़ने। चलो पूरे खाओ चल के। ज़्यादा वैसा कुछ नहीं किया, देख सकते हो आप। अब मैं इनको देख के आती हूँ, और मैं तो चाय के साथ लूँगी, पहले मैं चाय बनाऊँगी। एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट करना और खाना लेना इज लाइक हाँ जी हेलो बैठो, लेट हो गया खाना लेने में, जिस दिन शूट करो उस दिन ऐसे हो जाता है। एंड ये देखो मेरा सामान कैसा है, बोल तो बोल के मारना। अच्छा नमक नमक सही है, ज्यादा तो नहीं, एकदम सही है। हाँ बिल्कुल सही है, चाय बना दूँ। लेकिन आरफ के लिए मैं ना सूजी का पूड़ा बना रही हूँ, ये है सूजी, उसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा दूध, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, थोड़ा सा नमक डालूंगी। यप एंड जस्ट इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, ताकि सूजी थोड़ी सी फुल जाए, और क्योंकि आरफ ना पोहे खाता नहीं इतने मन से, और फिर मैं हल्का सा दूध और डाल दूंगी इसके अंदर, इतनी सी रेड चिली, रेड से, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर आरफ मिर्ची मिर्ची बोलता है फिर, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ये थोड़ा सा फैल गया था तो मैंने इसको जस्ट ऐसे ऐसे करके ना सेट कर लिया, अभी अपनी जगह पे आ गया। हल्का सा ऑयल डालूंगी मैं इसके ऊपर, लाइक वेरी लाइट सा, या बहुत हल्का सा ऑयल डाल दिया। आरफ का सूजी का पूरा रेडी हो गया, जला नहीं है भाई, गोल्डन ब्राउन हुआ है। और एक और चीज है, अब सूजी के पूड़े में ना दूध डाल के किसी दिन बना के देखो, देखो कितना ज़्यादा आपको टेस्टी लगा, आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी चाय अभी बन रही है, मैंने चाय रख दी थी इलायची वाली चाय, तब ये बनेगी। ये लो क्या कर रहे हैं नोनी, अरे टेस्टी है, चलो खा लो, ठीक है, खेलो और खाओ, साइकिल निकाल दूँ।
अब हम लोग आ गए अपने रूम में, आई मीन मैं आ गई, और अरब जी खाओ जल्दी। अब हम खा चुके हैं पोहा। ये पोहा खा चुके हैं, मैंने कहा खाया, मैं अपनी चाय लेके, मैं पोहा लेके ले लेकर आती हूँ, मेरी वाली चाय। स्ट्रॉन्ग हो गया देखो, डालूंगी तो खाएगा, अदरवाइज उसको कोई खाने से मतलब नहीं है। बस अभी खा पी के बर्तन धोने, मशीन नहीं आज करनी, आज बारिश होगी, कल सुबह लगाऊंगी संडे को मशीन सुबह सुबह। राउंड एंड राउंड वी गो लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, आई कीप टेलिंग मायसेल्फ बट आई डोंट वांट टू लेट यू नो, इज दिस व्हाट वी बिकम, स्ट्रेंजर्स ऑन द रन लुकिंग फॉर समथिंग चेसिंग द सन। कुछ खा ले, बिस्कुट ही खाई जाएगा। लड़ाई कर रहा था, मुझे दो, मुझे एक तो दे दो। इन्होंने ना मतलब जो मैं आरव को दूंगी ना, इन्होंने वही खाना है उसके हाथ से। आज आरव तुम्हें ना बर्थडे था, पेन मिला था, पेन पेंसिल रबर इरेजर जो भी, ये कहते मुझे दे दे मुझे दे दे, ले लिया, दोनों में इतनी लड़ाई हुई। बस इनको वही चीज चाहिए जो आरव के पास है, पहले दे देता, पहले खोल के क्रीम खा के साइड में रख देता था, कहता भी नहीं था खा लो है ना, साइड में रख देता, कीड़े लग जाते थे खाना वाना। हे गाइस, छत पे आई हूँ चाय वगैरह पी के, और शाम का टाइम है, प्लांट्स पे पानी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बारिश हुई थी उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, सारे प्लांट्स बेचारे सूखे पड़े हैं, और क्योंकि सारा दिन धूप थी ना, प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरा ये बेयर फेस और ये बिल्कुल ही, अब यार घर पे ऐसे रहता है, हमेशा मेकअप नहीं ना करते, मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, थोड़ा सा अपना पाइप का सिस्टम करना है यार, थोड़ा बहुत पाइप वगैरह का सिस्टम करना जिससे प्लांट्स पे पानी डल जाए। अभी तो मैंने एक डब्बा लगाया हुआ है जिसके साथ पानी डालूंगी, एंड एक सेकंड दिखाती हूँ, मेरे प्लांट्स में बेचारे बहुत अनटाइडी से हो गया, लुक एट देम, एक्स्ट्रा ग्रास वगैरह निकली हुई है, एक्स्ट्रा लंबे हो गए हैं, कुछ सड़ गए हैं, कुछ जल गए हैं धूप की वजह से, सबकी सेटिंग करवाऊंगी, मेरे मैं तो इतना टाइम नहीं मैनेज कर पाऊंगी, भैया को बुलाऊंगी ना, वो वैसे भी उनके पास नहीं कैसे गार्डनिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो बड़े आराम से ना उसको मिट्टी को कुरेद भी देते हैं, जिससे ये मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे भर भर के डालना पड़ रहा है। एनी वेज ये देखो कितनी ज़्यादा घास निकल गई है, बट कोई बात नहीं, इसको सेट करवाती हूँ, ये मनी प्लांट है, बीच बीच में सूख गया यार ऑलरेडी, कल मैंने ये सारे है ना टप में जो बर्तन पड़े वो मैंने इनको कल धो दिया था, और ये जो पोर्शन है इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाली आज, ये कल सुबह धोऊंगी, देखो सारे मिट्टी से भरे पड़े, ये कल सुबह धोऊंगी, खुद ही करना पड़ेगा सारा कुछ, आंटी तो आ नहीं रही है। एंड आज अभी मैं क्या धोने लगी वो आपको मैं दिखाती हूँ, देखो ये जगह आपको लग रही है ना पेंट की हुई है, बाकी की जगह पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ना टाइल्स लगवानी है, टाइल वाला भैया आएगा ना तो उनसे टाइल्स लगवानी है, बस इतने से पोर्शन पे रह गई है, थोड़ा सा क्लीन सा काम हो जाएगी। देखो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, नीचे भी आएगा समथिंग, या ये मेरे खाने वाले बर्तन हैं जो अभी सिर्फ आज के दिन जूठे हुए थे, कल रात जो अभी मतलब जूठे हुए थे, और ये जो है ये सारे क्लीन हैं लेकिन मिट्टी से भरे पड़े, देखो सारे क्लीन बर्तन, वो देखो अंदर मिट्टी नजर आ रही है, तो चलो फिर क्लीन करते हैं। जितनी देर मैं अपने बर्तन धोंगी उतनी देर मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि रात का डिनर भी मुझे जल्दी जल्दी से करना है, मैंने ना सूजी इडली बनानी है, लाइक जल्दी भी बन जाएगी, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, तो ये रही मेरी सूजी और ये रही मेरी कर्ड, तो इसको 10 या 15 मिनट के लिए रखते ना, चलो मैक्सिमम 20 मिनट भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो मैं क्या करने वाली इनको ना इक्वली पार्ट में करके मिक्स करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट तक मैं अपने बर्तन जितने होंगे उतने मैं वॉश कर लूंगी, और जैसे ही आऊंगी बर्तन वॉश करके फटाफट से मैं डिनर भी बना दूंगी। तो मैंने ली ये
और फिर मैं सूजी डाल दूंगी इसके अंदर पूरी भर के। या तो मैं ब्लॉग शूट ही करती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल ही अनकट वर्जन होता मेरे ब्लॉग का। ये देखो मैंने भर के सूजी ले ली और यप। एंड मेरे भाई के एक यूट्यूब का चैनल है, मेरे रियल ब्रदर का, मिस्टर बग्गा। मेरे भाई के चैनल का नाम है कुकिंग का चैनल है। अगर आप अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपको बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेज मिलेंगी देखने को। और मेरे भाई के एक और चैनल है मिस्टर बग्गा टेक, वो टेक्निकल चैनल है। यूट्यूब के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो, तो आप उस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप मेरे भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। और लिंक मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन भी कर दूंगी। ये रही कर्ड, पूरी एक कॉली मैंने ये ली सूजी और एक कॉली में कर्ड ले रही हूँ। आई गेस इसकी रेसिपी भी उसने अपलोड की हुई है। ठीक है, अच्छे से जस्ट मिक्स कर लूंगी। ओके, अब मैं इसको मिक्स कर लूँ। एंड जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे यहाँ पे ब्लैक टाइल बिछी हुई थी इसके ऊपर, तो डियर उसको भी क्लीनिंग करनी है। उसकी वजह से क्लीनिंग करूँगी, ड्राई करूँगी, फिर उसको बिछाऊंगी। उतनी देर तक ये अल्मोनियम शीट है जो मेरे टेबल के ऊपर लगी हुई है। और नमक डालूंगी मैं, जस्ट अंदाजे के साथ नमक डाल दूंगी, इतना तो डलना ही चाहिए। ठीक है, बाद में बाकी का जो टेस्ट वगैरह होगा वो देख लेंगे। बाकी वैसे भी इनो में नमक होता है, इनो डालेगा ना एट द एंड, तो उसमें भी नमक होता है। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली, थोड़ी सी ही डालूंगी क्योंकि आरव को फिर मिर्ची लगती है ना, क्योंकि आरव भी खाता है सूजी और इडली, उसको टेस्टी लगती है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँ, आई नो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ये कर्ड वाली ही मेरी कॉली है। ठीक है, अब जितनी देर में 20 मिनट के लिए अपने बर्तन धोंगी, उतनी देर तक ये सूजी भी अपनी जगह पर ना थोड़ी सी फूल जाएगी, एंड उसके बाद ही मैं इसको बनाती हूँ। इसको ऐसे मैं बस ढक के ना छोड़ दूंगी। ओके, मैं बर्तन अपने ग्लव्स डाल के धोती हूँ, मैं ऐसे नहीं धोती क्योंकि फिर मेरे हैंड्स में ना एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए ग्लव्स डाल रही हूँ मैं। Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place, a place where you'll make them just be alone. Tonight, we are heroes tonight.
सारे बर्तन हैं जो मैंने अभी क्लीन किए हैं बिल्कुल टब भर के, और देख लो आप सब कुछ अच्छे से ना क्लीन वगैरह कर दिया मैंने। एंड कुछ यहाँ पे भी है, वो देखो ड्रम मैंने अभी धोया, सारा कुछ है अभी यहाँ पे भी धो दिया, उसको कल छेड़ूंगी यार, उसको कल छेड़ूंगी भी। और चलो सेट कर लो। एंड अब सिंक वगैरह मेरा बिल्कुल क्लीन कर दिया है, यहाँ पे टाइल्स लग जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा काम। अभी मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया क्योंकि अभी रैक करना है। अब हो गया डिनर का टाइम, और डिनर के लिए मैंने बहुत हल्का सा लाइट सा बनाया, ये सूजी लेडली वो आप लोगों ने देख ही ली। एंड क्योंकि सारी खा लेते हैं सूजी लेडली, साथ में लेंगे इमली की चटनी यप, और ये ले लेंगे। हो गया डिनर। नोनी आरफ के चलते ना हमने ग्रीन चिली नहीं मैंने ऐड की, क्योंकि आरफ के थोड़ी मिर्ची मुंह में आ जाए तो फिर आपको पता ही हो, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं बेटा। It's 1 o'clock and renovation की वजह से बहुत late हो जा रहे हैं। हाँ, रात का बहुत time है। बहुत नींद आ रही है आपको।
ये सारा इसकी वजह से सब टाइमिंग उथल पुथल हुई पड़ी है। ये इमली की चटनी थोड़ी सी डाल दी बस यार, यही है आज का ब्लॉग हमारा, यही एक दिन पूरा आपने देखा। अभी भी चला, अभी तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट का नहीं दिखाया था, ब्रेकफास्ट सिंपल था, ब्रेड बटर खाया था बस। आरव को स्कूल भेजा था सुबह सुबह मैंने, कल संडे है, कल नहीं जाना ये बोला नींद में यार, कुछ बोल ही नहीं रहे सारी नींद में। एनीवेज यार बाय, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। आज तो बिल्कुल ही नींद में है। बाय गुड नाइट। एक फोटो, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना। राइट नाउ मेरे चैनल के ऊपर भी है थोड़ा सा, यही देखोगे क्योंकि जो चल रहा है ना वही आप देखोगे। बीच में मैं डालूंगी वीडियो, मिंत्रा हॉल आएंगे क्योंकि वो मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी अपने मम्मा के घर से। हाँ बेटा, मम्मा ये जो बनाती एक्चुअली मेरे भाई का भी एक चैनल है, मिस्टर बग्गा कुकिंग का चैनल है, आप उसको भी प्लीज जाके जरूर सब्सक्राइब करो, लिंक मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो इडली खाना, इडली बना दिया, ये इसकी वीडियो जाएगी मिस्टर बग्गा के चैनल पे, लेकिन मामू के चैनल के लिए ना हम कुछ और बनाएंगे, ठीक है पक्का। आज बेटा ये रेनोवेशन की वीडियो ना सिर्फ ये खाने की वीडियो नहीं थी, इस वजह से इसमें बहुत कुछ है, मतलब इस वीडियो को मैं दोपहर से शूट कर रही हूँ, एडिट करके इसको छोटा सा करके डालूंगी, इसमें बहुत कुछ है। धोनी जल्दी जल्दी खा, बस सिंपल सा लाइट सा डिनर हो गया। पालो चटनी पालो थोड़ी नहीं, बस यार यही है आज की वीडियो, और एंड करती हूँ मैं यही पे ब्लॉग। आई गेस ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा तो भैया स्किप कर लेना। मिंत्रा हॉल आएगा, मिंत्रा हॉल में ऑलरेडी मम्मा के घर से शूट कर लिया था मैंने, उसको एडिट करना है, एडिट करके ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड कर दूंगी। बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट। अरे बोलो गुड नाइट कैमरे में देख के बोलो, स्माइल नहीं कर रहा, वही नीचे है। एक बार बोले ना तो मेरे ना तो बोले, एक बार बोल दे टाइम में बंद करूंगी तो ऑन रहेगा कैमरा। बाय गुड नाइट, लव यू ऑल, अब दिख नहीं रहे चलो यार बाय गुड नाइट।